हेलो फ्रेंड्स, अदानी विल्मर के शेयर होल्डर्स काफ़ी खुश होंगे क्योंकि फ्राइडे को 10% भागा है शेयर और काफ़ी लोग परेशान थे अदानी विल्मर के कि ये गिर क्यों रहा इतना। बट अभी देखिए फिर से रन अप दिखाया है और एक गुड न्यूज़ है आपके लिए अदानी विल्मर के शेयर होल्डर्स के लिए, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे और समझेंगे कि आने वाले दिनों में अदानी विल्मर रॉकेट क्यों बन सकता है, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। फ्रेंड्स, इसका फ्राइडे का क्लोजिंग था 366 रुपीज़ एंड 52 वीक हाई था 420 रुपीज़। इसका पी है 72 का और ईपीएस है 57 का। डेट टू इक्विटी रेशियो इज 0.62। प्रोमोटर होल्डिंग है स्ट्रॉन्ग 88%, एफआईआई का होल्डिंग है 2.90 एंड डीआई का होल्डिंग है 1.10%। इसका दिसंबर क्वार्टर भी एक्सेलेंट आया था। इसका दिसंबर 20 में प्रॉफिट था 111 करोड़, सितंबर में था 176 करोड़ एंड दिसंबर 21 में प्रॉफिट था 241 करोड़। तो क्वार्टर रिजल्ट तो अच्छा आया ही है, बट अब इसके लिए फ़ायदेमंद क्या होगा, ये रॉकेट क्यों बन सकता है शेयर, उसके बारे में बात करेंगे हम लोग। फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि रशिया और यूक्रेन में वॉर चल रहा है और रशिया और यूक्रेन ये दोनों भी कंट्री सनफ्लावर के बहुत बड़े ऑयल के मैन्युफैक्चरर है। सनफ्लावर ऑयल ये इंडिया इनसे बहुत ज़्यादा इम्पोर्ट करता है कि ये रशिया से भी बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करता है और यूक्रेन से भी बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करता है। इंडिया में होता है रशिया और यूक्रेन से सनफ्लावर ऑयल। और आप जानते हैं कि अदानी विल्मर का एक ब्रांड है फॉर्च्यून सनफ्लावर ऑयल और उसका बहुत बड़ा मार्केट शेयर है इंडिया में। और दूसरी बात, इनके खुद के 22 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं पूरे भारत में जो कि वो लोकल से सनफ्लावर सीड प्रोक्योर करके उसका क्रशिंग करते हैं। तो अब क्या होगा कि रशिया पे सैंक्शंस लगेंगे, इसलिए वहाँ से इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए बैन आएगा। तो ओवरऑल पूरे वर्ल्ड मार्केट में सल्फर ऑयल की डिमांड बढ़ेगी, तो अल्टीमेटली हमारे यहाँ पे जो खुद मैन्युफैक्चरिंग करते हैं ऐसे कंपनियों का उसका डायरेक्ट फ़ायदा मिलेगा। उसमें से एक है अदानी विल्मर, जिनका रेवेन्यू 65% एडिबल ऑयल से आता है और उसमें मेजर जो शेयर है वो है सल्फर ऑयल का। तो इसके कारण अदानी विल्मर के ओवरऑल कंपनी को भी बहुत फ़ायदा होगा और उसका फ़ायदा उसके प्रॉफिट पे रेवेन्यू पे भी होगा, तो अल्टीमेटली उसका शेयर भागेगा तो इसके शेयर होल्डर्स जैसे आप हम जैसे लोग हैं उनको भी फ़ायदा होगा अदानी विल्मर के शेयर में। तो इसीलिए फ्रेंड्स, आप बाय ऑन डिप के स्ट्रैटेजी से अदानी विल्मर के शेयर्स बाय करते रहिए और जो लोग इसको ऑलरेडी होल्ड कर रहे हैं वो घबराइए मत, मार्केट की गिरावट में थोड़ा बहुत करेक्शन आएगा बट जैसे ही ये वॉर सिचुएशन ख़त्म होगी तो अदानी विल्मर का शेयर रॉकेट बन सकता है क्योंकि सनफ्लावर का जो इम्पोर्ट है वो काफ़ी अफेक्ट होगा और उसके अलावा रेट भी वर्ल्ड वाइड बढ़ेंगे सल्फर ऑयल के, क्योंकि यूक्रेन तो पूरा ऑलमोस्ट वहाँ से तो बहुत प्रॉब्लम चल रहा है तो वो फिर से संभलने के लिए टाइम लगेगा और रशिया पे जो सैंक्शंस लगे उसके कारण वहाँ से भी एक्सपोर्ट बंद होगा, तो अल्टीमेटली उसका फ़ायदा डायरेक्टली इनडायरेक्टली अदानी विल्मर को हो सकता है क्योंकि इनके खुद के क्रशिंग है, ये ट्रेडिंग नहीं करते, खुद बनाते हैं, तो इसके कारण इनको अच्छा फ़ायदा हो सकता है इस तेज़ी का सल्फर ऑयल के। तो आप अदानी विल्मर के शेयर्स को होल्ड कीजिए फ्रेंड्स, थोड़ा बहुत गिरेगा तो उल्टा एक्यूमुलेट कीजिए, घबराइए मत, ये शेयर आपको अच्छा रन अप दिखा सकता है बिकॉज ऑफ यूक्रेन रशिया वॉर और इस कंपनी के बारे में आप स्टडी करके भी डिसीजन ले सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।